दोस्तों आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 3 और एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। टैंडी तूसान के अपने पुराने घर में जाता है पर टैंडी को वहां पर उसका भाई माइक नहीं मिलता। टैंडी अपने भाई माइक के लिए एक चिट्ठी छोड़ता है। टैंडी को उसी घर में उसका बॉल फ्रेंड मिलता है जो कि उसने माइक को दे दिया था। टैंडी उन बॉल फ्रेंड में से एक को अपने साथ ले लेता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। गेल ने पेपर में सिग्नेचर करके कैरोल को गोद ले लिया था और अब कैरोल गेल की बेटी थी, इसीलिए कैरोल गेल को मॉम कहना स्टार्ट कर देती है। कैरोल चाहती थी कि गेल यानी कि उसकी मॉम अपनी बेटी के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवाए, जिसके लिए कैरोल गेल यानी कि उसकी मॉम के लिए एक ड्रेस लेकर आई थी, पर गेल बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत है। तभी वहाँ पर टैंडी आता है जो कि कैरोल की तरह गेल को मॉम कहता है। तभी घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। टैंडी और कैरोल का ध्यान उस तरफ जाता है, तभी गेल वहाँ से चली जाती है। लुइस टैंडी के पास जाता है और उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि जब से वह सिएटल से आया था तब से उसे अच्छा महसूस हो रहा था। वहीं पर लुइस को पता चलता है कि गेल ने कैरोल को अडॉप्ट कर लिया है यानी कि गोद ले लिया है, पर लुइस को यह बात समझ में नहीं आती कि कैरोल इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों है। कैरोल उसे बताती है कि हम फैमिली फोटो लेना चाहते थे पर गेल यानी कि उसकी मॉम ने मना कर दिया। थॉड मेलिसा के पास जाता है तो देखता है कि मेलिसा एक टॉय बेबी को बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है और उसने उसका नाम भी रख दिया है ऑर्डन। यह जानकर थॉड मेलिसा के बच्चे को यानी कि उस टॉय बेबी को हाय बोलता है। मेलिसा कहती है कि यह असली बच्चा नहीं है। थॉड अपनी गलती के लिए मेलिसा से माफ़ी मांगता है पर मेलिसा थॉड को माफ़ नहीं करती और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि मेलिसा बच्चा चाहती थी पर थॉड बच्चा नहीं चाहता था। थॉड बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेलिसा बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। यह सुनकर थॉड वहाँ से चला जाता है। टैंडी और कैरोल दोबारा गेल के पास जाते हैं फैमिली फोटो लेने के लिए, पर गेल फोटो खिंचवाना नहीं चाहती थी टैंडी और कैरोल के सिमिलर कपड़े के साथ, इसीलिए गेल अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है कि तुम लोग फोटो खिंचवाना चाहते हो तो तुम लोग नॉर्मल कपड़े पहनकर आओ। गेल कैरोल की आंखें खुलवाने की बहुत ही कोशिश करती है ताकि टैंडी एक फैमिली फोटो ले सके, पर गेल आंखें नहीं खोलती और वहां से उठकर चली जाती है ताकि टैंडी फैमिली फोटो ना ले सके। लुइस को लगता था कि टैंडी के भाई माइक की तरह उसका पार्टनर मार्क भी जिंदा होगा, इसीलिए लुइस एक नकली एरोप्लेन को उड़ाने की कोशिश करता है ताकि वह भी एक दिन मार्क को ढूंढने के लिए टोक्यो जा सके। थॉड मेलिसा को लेकर चिंता में था, इसीलिए थॉड टैंडी से बात करता है इस बारे में। कैरोल गेल के पास जाती है रात के डिनर के बारे में पूछने के लिए, पर गेल उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं रात का डिनर नहीं करूंगी। तभी कैरोल गौर करती है कि गेल यानी कि उसकी मॉम शराब पी रही है। कैरोल अपनी मॉम को शराब पीने कैसे देती, आखिरकार कैरोल उसकी बेटी थी, इसीलिए इस बात को लेकर गेल और कैरोल के बीच में बहस होने लगती है। गेल कहती है कि यह मेरा फ्लोर है और वह कैरोल को वहां से जाने को कहती है तो कैरोल गुस्से में वहां से चली जाती है। मेलिसा प्रेग्नेंट होना चाहती थी, इसीलिए टैंडी जब मेलिसा से बात करने के लिए जाता है तो मेलिसा टैंडी को अपने पैंट उतारने को कहती है और बोलती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, पर टैंडी उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैंने कैरोल के साथ शादी की है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेलिसा टैंडी को कमरे से बाहर निकाल देती है। टैंडी थॉड के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेलिसा बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वह मेरे साथ सोना चाहती थी। यह सुनकर थॉड चौंक जाता है और अब उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि मेलिसा की दिमागी हालत थोड़ा ठीक नहीं था। गेल शराब के दुकान के शीशे को तोड़कर शराब लेती। टैंडी कैरोल के पास जाता है मेलिसा के बारे में बात करने के लिए, पर गेल ने कैरोल के साथ फैमिली फोटो नहीं खिंचवाया था और गेल और मेलिसा के बीच में झगड़ा हो गया था। इस बात को लेकर कैरोल गुस्से में थी, इसीलिए वह टैंडी से बात नहीं करती। और जब टैंडी लुइस से बात करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि मेलिसा ने लुइस को भी उसके साथ सोने को कहा था। तभी हम गेल को देखते हैं जो कि लिफ्ट के जरिए अपनी शराब की बोतल को अपने फ्लोर में ले जा रही थी। तभी इस बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और गेल उसी लिफ्ट में फंस जाती है और किसी को मदद करने के लिए बुलाती है, पर गेल की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। टैंडी और लुइस लाइट को ठीक करने के लिए लाइट बॉक्स के पास जाते हैं और लाइट को ठीक कर देते हैं। लाइट आने से गेल बहुत ही खुश हो जाती है और उसे लगता है कि वह अब लिफ्ट से बाहर निकल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि लाइट तुरंत चली जाती है। लुइस दोबारा लाइट को ठीक करता है पर इस बार लाइट चौथे फ्लोर में नहीं आती और ना ही लिफ्ट में आती है, जिसकी वजह से गेल लिफ्ट के अंदर ही फंसी रह जाती है। मेलिसा स्विमिंग पूल से टॉय बेबी को निकालती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम 30 मिनट से ज़्यादा स्विमिंग नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर थॉड आता है जो कि मेलिसा को बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। मेलिसा थॉड की बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। गेल बहुत देर से लिफ्ट के अंदर थी पर उसे बचाने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया था, इसीलिए गेल अपनी मदद खुद करने के बारे में सोचती है। गेल के पास एक बंदूक होता है जिससे कि वह गोली चलाती है ताकि गोली की आवाज़ सुनकर कोई उसकी मदद करने के लिए आए, पर ऐसा होता नहीं है
क्योंकि जब गेल गोली चलाती है उसी वक्त टैंडी और लुइस जोर जोर से गाना गा रहे थे जिसकी वजह से गोली की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। तभी वहां पर कैरोल आती है जो कि गेल यानी कि अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। उसकी बातों का कोई भी जवाब देता उससे पहले ही वहां पर थॉट आता है जो कि सबको कुछ दिखाने के लिए बुलाता है। और जब सब थॉट के साथ जाते हैं तो देखते हैं कि मेलिसा ने गुड बाय लिखा है यानी कि मेलिसा इस घर को छोड़कर और इन लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।